नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं अविनाश। गोपालगंज जिले में गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है, जिसका कहर जिले भर में लगभग 2.5 लाख लोगों ने झेला है। और अब जबकि पानी कुछ कम हुआ है, तो अब बाढ़ से कटाव ने लोगों की नींद हराम कर दी है। मामला है सदर प्रखंड के मझरिया गांव की, जहां बाढ़ आने के बाद ग्रामीण स्कूलों में शरण लिए हुए थे, लेकिन प्रशासन ने कटाव को रोकने के लिए एक भी जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज 2 मंजिला स्कूल ताश के पत्ते की तरह नदी में समा गया है। ग्रामीणों का यह तक कहना है कि जब सरकारी भवन को प्रशासन नहीं बचा पा रही है, तो आम लोगों के घरों की कौन परवाह करेगा। अब तो सब कुछ भगवान के भरोसे है। कटाव ने ग्रामीणों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। जहां आए दिन हो रहे कटाव से लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, वहीं कटाव से दूसरी तरफ ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने और ग्रामीणों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को खाने पीने की बहुत परेशानी है, सभी जमीन नदी में कट गया, कोई चीज घर में नहीं है, क्या खाए, कहाँ रहे और कोई ठिकाना नहीं है। मध्य विद्यालय मंझरिया है, जो करघरवा पंचायत सदर प्रखंड गोपालगंज का है। गंडक नदी के तेज कटाव के कारण इसका आधा पार्ट ढह गया है और पूरा स्कूल खतरे के निशान पर आ गया है और इसको बचने का कोई संभावना नहीं है। आए बेरा में खोल खोल बने मोहतन से आए बेरा हमने के साधन नहीं है, जो हम कहीं जाए से आए बेरा खानी एथी बजे बेरा कहाँ हमने के जाकर रह हम से क्या नाम पड़ी अपन बजे सॉरी हमने के खाईला खाईला बिन मरतन सब सारा जमीन कट गई कुछ बाना यहाँ। हाँ कुछ नहीं, नहीं, नहीं। अभी तो कोई देखने आया कि नहीं आया आप लोग को? अब कुछ साहब है क्यों नहीं खाए देखा है, हम ये खाओ पर आफत बन से बड़ा भूखा मरल बन से सब सर। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ प्रशासन से हमने घर द्वार भूखा के चाहिए मिले के चाहिए। हाँ हम तो कहाँ जाए सब जमीन हैले नहीं के कुछ। हाँ घर वाला मझारिया सारा गांव कट गए, हमने के शरण ना भेटल तो हमने के स्कूल पर सारा आदमी शरण लेनी है सब। कोई आदमी अधिकारी नहीं खेलो आई चेक करे का खाता नहीं लोग का पियत लोग सारा लोग उपासे बा रहे को कहीं शरण घर द्वार नहीं है, कहीं हमने के जगह जमीन मिले के चाहिए हमने के रहे से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिटीपोस्टलाइव.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।